मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। और सिर्फ गाली नहीं दी, उसके बाद सुबह आपने मुझे धमकाना शुरू किया। आपने कहना शुरू किया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो डेफेमेशन का केस करेंगे, मतलब आप चोरी करें, उसके बाद आप सीना चोरी करें। आपको लगता है कि धमकाने से हम डर जाएंगे? और ये आंसू सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है, ये आंसू इसलिए कि आप सोचते हैं कि सत्ता का घमंड इतना है, अहंकार इतना है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और बच के निकल जाएंगे क्योंकि मोदी जी का हाथ आपके ऊपर है। आप गाली दें, उसके बाद आप कहें कि आप ही डेफेमेशन का केस करेंगे और कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाएगी। था कांग्रेस अगर 90 सीटें भी जीत ले तो उसकी जीत मानी जाएगी। नरेंद्र मोदी, आप ये दर्शक देख रहे हैं, आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। निचली राज्य बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। निचली राज्य सुन रही थी आधे घंटे से। निचली राज्य मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूँ कि असल में हुआ क्या। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वो दोनों वीडियो यहाँ पर दिखाएं, पर वो आपको मेरी टाइमलाइन पर जरूर मिलेंगे। ये वाक्या है 4 जून का, जिस दिन नतीजे लोकसभा चुनाव के सामने आ रहे थे और मैं यही AICC के प्रांगण में बैठकर इंडिया टीवी पर बहस कर रही थी। अब होता ऐसा है कि अगर एंकर और प्रवक्ता साथ में बोल रहे हो, कांग्रेस की बढ़ती हुई टैली को देखकर गर्मजोशी का माहौल हो, शोर शराबा हो और टीवी स्क्रीन सामने ना हो, तो अक्सर बुदबुदाकर या धीरे से अगर कोई बात कही जाती है तो वो सुनाई नहीं दे पाती है। उस दिन मैं नहीं सुन पाई, मेरे सामने टीवी स्क्रीन भी नहीं थी। फिर ये वीडियो अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। कल मेरे और पवन खेड़ा जी के संज्ञान में हमारे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी, और ट्विटर यानी कि एक्स, पहले ट्विटर कहा जाता था, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कई लोगों ने ये वीडियो भेजा। और मैं सच कहती हूं, पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रजत शर्मा जैसे व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर एक लाइव डिबेट में इतनी भद्दी गाली का प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि जो वीडियो हमें भेजा गया उसमें नीचे वो गाली लिखी हुई भी थी, तो मन नहीं माना कि ऐसा हो सकता है। हम इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर गए, वहां से जो उन्होंने खुद फुटेज डाली थी उस फुटेज को निकाला, उस फुटेज की उस क्लिप को निकाला जिसमें यह वाक्या घटित हो रहा है। और वहां पर भी, जिसे अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन कहा जाता है, अंडर द ब्रेथ, बुदबुदाकर, धीरे से, केवल इस बात पर कि मैं उन्हें टोक रही हूं कि कांग्रेस पर आज भी लगातार प्रहार मत कीजिए, शायद मोदी जी की घटते हुई संख्या और कांग्रेस की बढ़ती हुई संख्या को देखकर झुंझला इतना गए कि उन्होंने वो गाली दी। और अब मैं एक नारी के तौर पर भी, एक भारतीय महिला के तौर पर, मैं ये जानना चाहती हूं रजत शर्मा जी से कि ये बात सिर्फ एक रागिनी नायक की नहीं है। मैं 10 साल से ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष टीवी पर रख रही हूं, आप पत्रकार होते हुए भी भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। मोदी जी के साथ जो आपका इंटरव्यू हुआ वो सबने देखा, किस तरीके की बातचीत उसमें हुई सबने देखा।